घर खरीदने के लिए लोग कई साल तक पाई पाई इकट्ठा करते हैं, जैसे तैसे वो घर खरीद भी लेते हैं तो बिल्डर्स के चंगुल में इस कदर फंस जाते हैं कि सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें कब्जा नहीं मिल पाता। आशियाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे लोगों की इसी परेशानी को दिखाते हुए IBIN 7 अब एक मुहिम चलाने जा रहा है। IBIN 7 ऐसे ही बिल्डर्स को बेपर्दा करेगा जिन्होंने आपको धोखा दिया। आज हम JP बिल्डर्स की बात करेंगे और बहस की शुरुआत होगी अब से कुछ ही देर बाद, यानी 2 मिनट 24 सेकंड बाद। अपना एक घर हो, इस सपने को साकार करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने जीवन भर की जमा पूंजी बिल्डर्स के हवाले कर दी, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो सालों से गृह प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं, मगर कई बिल्डर्स पर आरोप है कि वो कोई ना कोई बहाना बनाकर गुमराह करने में लगे हुए हैं। बिल्डर्स की मनमानी को देखते हुए अब लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है और अब उपभोक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। हैरानी की बात यह है कि कई नामी बिल्डर्स हैं जो उपभोक्ताओं के वादों की भरपाई नहीं कर पाए। इनमें देश के मशहूर JP बिल्डर्स का नाम भी शामिल है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में JP बिल्डर्स के करीब 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ग्राहकों का आरोप है कि इनमें से कई प्रोजेक्ट जो आज से 7-8 साल पहले शुरू हुए थे, उनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट्स में अभी तक लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाया है। ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि JP के साथ फ्लैट बुक करने वाले हजारों लोगों की है, जो बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उनको उनका आशियाना अब तो मिल जाए, लेकिन उनका ये इंतजार इतनी जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा। इट इज ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स नाउ और अभी भी पोजीशन का कोई अता पता नहीं है। और पिछले 5-7 साल से अगर आप देखें तो मैं पूरी EMI पे कर रहा हूँ और घर का रेंट भी मेरे का जाता है, तो और बाकी अदर एक्सपेंसेस आर आल्सो देयर, और इनकी तरफ से कोई रिलीफ किसी टाइप की नहीं मिलती है। जहाँ जहाँ इनको पैसा लोगों का मिला है अपने पर्पस के लिए, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल में इनने इन्वेस्टमेंट कर लिया। बाकी चीज़ें जो लिस्टिंग से पैसा आया, जो बैंक कंसोर्टियम ICICI वगैरह से उठाया, वो पूरा डाइवर्ट हो चुका है। वही JP ग्रुप ग्राहकों के आरोप पर अपनी ही दलील दे रहा है। हमारा विश टाउन एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है, ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, इसमें 250 टावर हैं। कई वजह हो गई जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिले जो है वो गलत है, डिले जो है उसकी वजह हमारी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है, लेकिन हमने अब शुरुआत कर दी है। 250 में से 50 टावर हमने दे दिए हैं। बेशक JP ग्रुप लाखों बहाने बनाए, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर के कब्जे के लिए सालों से चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में सवाल लोगों की गाढ़ी कमाई का है, सवाल लोगों के आशियाने से जुड़ा है, सवाल उनके सपने से जुड़ा है कि उनका भी अपना घर हो। इसी परेशानी को देखते हुए IBIN 7 ने ग्राहकों को उनका हक दिलाने के लिए छेड़ी है एक मुहिम, ऑपरेशन घर दिला दो। आज IBIN 7 पर JP बिल्डर्स का सामना उन्हीं उपभोक्ताओं से होगा जो कई साल से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBIN 7। और आज हम सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि सवाल पूछने के लिए जनता है, वो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा JP बिल्डर्स में इन्वेस्ट किया लेकिन अभी तक उन्हें ना तो घर मिला है ना ही उनका पैसा वापस मिल रहा है और इंतजार और लंबा होता जा रहा है। सवाल पूछने का हक आज उन्हीं को है। मेरी सहयोगी पायल मेरे साथ होंगी और पायल के पास हम सीधा चलेंगे क्योंकि पायल के साथ वो तमाम लोग हैं जो कि आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और खास मेहमान भी, उनका भी परिचय करा देती हूँ। JP बिल्डर्स के सलाहकार अजीत कुमार जी होंगे जो कि तमाम सवालों का हमें जवाब देंगे। एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट फेडरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ होंगे। JP बायर्स एसोसिएशन के सदस्य TBS गुजराल जी होंगे। JP बिल्डर्स के ग्राहक कपिल तनेजा और संजय शर्मा जी हमारे साथ होंगे। अजीत जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या वजह है, क्यों नहीं आप घर दे पा रहे हैं लोगों को? 10-10 साल हो गए लोगों को पैसा दिए हुए। देखिए, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है 1150 एकड़ में फैला हुआ है, ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। इसमें हम पूरा एक टाउनशिप बना रहे हैं, 250 टावर हैं, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हमने बनाना है। सड़कें हमने बनानी है, वाटर सप्लाई का इंतजाम हमने करना है, पावर लाइन्स हमने बनानी है। आपको वायदे उस हिसाब से करने चाहिए थे ना। आपने तो वायदा किया, जिसने 2009 में बुक कराया आपने उसको आपने वायदे के हिसाब से 2012 का समय दे दिया। चलिए 12 ना सही, 13, 14, 15, 16 आ गया, अभी तक कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हमारी गलती नहीं, हमारी गलती जरूर है, लेकिन बहुत सारी वजह हुई जिससे वजह से हमारा जो है तो ये थोड़ा डिले हो गया, काफी डिले हो गया। लेकिन अब हमने एक नई शुरुआत की है। हमारे जो 250 टावर हैं उसमें से 55 टावर हमारे कंप्लीट हो गए थे 2013-14 में, लेकिन क्योंकि
उसके ऊपर रोक लगाई हुई थी एनजीटी ने, इसलिए हमको उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमको दिसंबर 2015 में मिल गया, 2016 से हमने सारी चीजें तो आपको पता थी ना, आप पहले वायदा करते रहे। अब बताइए उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी 95% पेमेंट जो है वो पहले ही कर दी है। हमारे साथ ये कपिल तनेजा जी मौजूद है। कपिल जी जरा बताइए कितना पैसा आपने दिया, किस स्टेशन से आप गुजर रहे हैं भी बताइए। देखिए साहब, 2010 में हमने आपके फ्लैट की बुकिंग करी, प्रोजेक्ट था क्यूब। 2010 के बाद आप लोगों ने किसी बैंक के साथ टाई अप किया जिन्होंने ऑफर किया कि जी हमारी सबवेंशन स्कीम में आ जाइए, और हमने उनके साथ सबवेंशन लेकर 95% पेमेंट आपको 2011 के फरवरी के महीने में दे दिया। एज पर दी अलॉटमेंट लेटर दैट यू हैव गिवन अस और दी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यू हैव मेंशन दैट वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 36 मंथ्स। 2011 में जो हमने आपको पैसा पूरा दे दिया तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 2014 में हमें फ्लैट मिल जाएगा, हमें रेंट जो हम पे कर रहे हैं और हमारा मकान की जो हमारे मन में इच्छा है वो हमको मिल जाएगा, रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। पर मेरे को तो सबसे बड़ा शौक ये लग रहा है साहब कि 2016 के अंदर भी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था आज सिर्फ 15-20% प्रोजेक्ट सिर्फ बना है। अजीत जी आप जवाब रखिए। जी ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि हमने 5,500 लोगों को ऑफर ऑफ पोजीशन भेज दी है जिसका कि हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है। इस साल में 2016 में हम 20 से 25 टावर और कंप्लीट करेंगे, 2017 में कंप्लीट करेंगे, और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम 2018 के एंड तक सारे जो 250 टावर है उनको कंप्लीट करके 1,25,000 लोग यहाँ रहेंगे, उन सबको हम उनके मतलब परिवारों को। ठीक है, संजय जी ने भी इन्वेस्ट किया। संजय जी मैं लौटूंगी आपके पास, उससे पहले जरा मैं पायल के पास जाती हूँ। पायल आपके पास आना चाहूंगी, क्या सवाल उठा रहे वहां पर लोग? बिल्कुल नवजोत, यहाँ लोगों से पूछते हैं विश टाउन में विश से उनके घर खरीदने की क्या दिक्कतें अब ये लोग फेस कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी। सर कब घर बुक किया था और कब का प्रॉमिस किया गया था? जी देखिए, मैंने 2009 में बुक किया था घर, और ये सोच के बुक किया था, उस टाइम कमिटमेंट जो दिया गया था 36 मंथ्स का यानी 3 साल का दिया गया था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि 2012 में हैंड ओवर होगा, बट उसके बाद से लेकर साल बाद साल वो एक्सटेंड होता जाता है डिलीवरी पीरियड, और उसका भी कोई एंड नहीं है। अभी भी जो हाल है प्रोजेक्ट का उसमें नहीं लगता कि कम से कम 2 साल से ज़्यादा। सर फाइनेंशियल दिक्कत होती है, आप सैलरीड लोग हैं, रेंट पे रहते हैं, यहाँ पे भी पैसा दे चुके हैं। मैम मैंने बैंक से लोन लेकर डाउन पेमेंट पे यहाँ पेमेंट किया था, मैं उसकी ईएमआई भी दे रहा हूँ, प्लस इसके साथ साथ रेंट भी दे रहा हूँ, और मैंने अपने बच्चों का एडमिशन भी मैंने यहीं आसपास के स्कूल्स में कराया था। अब मुझे यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है उनको सारी चीज़ें हैंडल करने में। सर आप बताइए आपके साथ कितनी परेशानी? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है, बिकॉज हम लोगों से ये पूरा पैसा ले चुके हैं, पैसा इनकी पॉकेट में है, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिले 6 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 7 साल हो जाए। अब हम ईएमआई भी पे कर रहे हैं, 100% ईएमआई लोन की पे कर रहे हैं, रेंट घर का जाता है, अदर एक्सपेंसेस है, और हमारे लिए बेयर करना इतना मुश्किल हो गया है, और इनकी तरफ से कोई कंपनसेशन में कोई रिलीफ नहीं है। अब बिल्डर के पास जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है आपको? दे गिव्स ओनली एश्योरेंस 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, और आफ्टर एवरी 6 मंथ दे गिव ए न्यू डेट। एंड अभी मैं टावर में नवजोत कोई कमिटमेंट नाम की चीज नहीं है, हर 6 महीने में एक एश्योरेंस कि अगले 6 महीने में आपको अपना घर मिल जाएगा। एक और एश्योरेंस यहाँ से दिलवा देती हूँ पायल। अजीत जी अब फिर इंश्योरेंस ही है आपकी, आप सोचिए कि आप जरा खुद को उनकी जगह पर रखकर देखिए कि क्या बीतेगी। किसी ने प्लानिंग की है कि उसने शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, वो सोच के पैसा दे देते हैं, इससे अच्छा तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करते। आज आपको पता है बहुत से लोग हमें फोन कर रहे हैं, I-Ben 7 के पास ऐसे लोगों का भी फोन आया है जो ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सुसाइड कर ले, यहां तक नौबत आ रही है। अजीत जी मैं एक बात कहना मैं लौटूंगी जरा इसका जवाब ले लूं। आलोक जी लौटते हैं। जो समय निकल गया है, जो हमारी डिले हो गई है, उस डिले को मैं वापस तो नहीं ला सकता हूं, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने जनवरी 2016 से पोजीशन देना शुरू कर दिया है, 5,500 के हमारे पास में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया है, 4,500 लोगों को हमने ऑफर ऑफ पोजीशन दे दिया है, और लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं और अपने घरों में आके रह रहे हैं। ये हम काम जारी करेंगे पूरे तरीके से, बताएंगे कब देने जा रहे हैं। नहीं, और उन घरों की स्थिति भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे लोगों का फोन आ रहा है, आप किस तरीके से घर दे रहे हैं, क्योंकि जो जो प्रोमिसेज आपने किए थे उस तरह का कोई घर नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाकर दिया जा रहा है। संजय जी देखिए, 2009 में जब मैंने अपना घर के लिए जेपी के साथ जुड़ने का फैसला किया था, तो मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता था कि मैं एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ जुड़ा हूँ। वो बिल्डर जो दिल्ली से लेकर आगरा तक बहुत अच्छा हाईवे बना के दे रहा है, और उसके अलावा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, और हमें उम्मीद थी कि हमें घर भी अच्छा मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। हालांकि मैं जब देखता हूँ कि इस तरह के बहुत से लोग हैं जिनके टावर अभी हवा में ही खड़े हुए हैं और कहीं दूर दूर तक
नामो निशान नहीं कि उनको घर मिलेगा। मैं उन खुश नसीबों में से हूं जिनको घर थोड़े टाइम पहले मिल चुका है, लेकिन मिलने के बावजूद भी कि वो इतनी अच्छी हालत में नहीं है कि जहां पे हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और अपने सगे संबंधियों को कह सकें कि आप आइए। उसके मैं वजह बताना चाहता हूं कि कर रहे हैं कि लोगों को मिल रहा है, रजिस्ट्री करा रहे हैं, अब बताइए। जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इनके टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट में है, वो हमने सारी चीज पूरी करके की है। हमारा एक अपना फैसिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप है जो पोजीशन देने के पहले इंस्पेक्शन करता है। पर जो लोग रह रहे हैं, अजीत जी, आप तो वहां नहीं रह रहे ना, वो रह रहे हैं, इसलिए वही बता रहे हैं। मैं वहां पर रोज जाता हूं, मैं तो वहीं बैठता हूं, सारे लोग आकर मुझसे मिलते हैं, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। अगर किसी को थोड़ी सी कोई समस्या, उसको हम ठीक कर देते हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा किसी को समस्या, मैं लौटूंगी संजय जी, जरा पायल के पास वापस जाना चाहूंगी। पायल, आपके साथ जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है जेपी ग्रुप में, मैं चाहूंगी अगर कोई सवाल है तो जरा स्टूडियो में टॉस कराइए, अजीत जी से जवाब लेते हैं हम। पायल, बिल्कुल, मैं पूछती हूँ, आपका कोई सवाल है जो आप जेपी ग्रुप से पूछना चाहते हैं? मैं अजीत जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज अब ये जो 4-5 साल का डिले हो गया है, इस जो डिले को वो कैसे कंपनसेट करने जा रहे हैं? सी, 5 रुपए का जो उन्होंने बिल्डर क्लॉज में डला हुआ होता है, दैट इज जस्ट पीनट्स, और वो भी। सर, आपका क्या सवाल है? मेरा अजीत जी से ये सवाल है कि आज भी आप साइट पे जाइए और देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में, एक किसी भी टावर में 4 या 5 से ज्यादा आपको मजदूर काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। इस स्थिति में आप इसे कब तक कैसे पूरा करके देंगे? ठीक है, मैं दोनों का जवाब लेती हूं। पायल, अजीत जी, देखिए, कंपनसेशन फॉर डिले जो है वो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होता है, और उसमें जो भी लिखा हुआ है इनके अलॉटमेंट लेटर में, वो हम उसको देंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई एस्केलेशन क्लास नहीं है, यानी जिस रेट पर मकान बुक कराया है उसी पर मिलेगा, जबकि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि डिले करने में हमको कोई प्रॉफिट है। आपकी गलती की वजह से नहीं, ठीक है, वो तो है, जो तो मैंने मान लिया कि जो गलती तो बिल्डर की है, लेकिन अब हम वचनबद्ध हैं कि हम जितना जल्दी हो सकेगा, जो हमने अब प्रोग्राम बनाया, उससे हम मकान दे देंगे। पायल, लौटती हूं आपके पास। आलोक जी, मैं बेसिकली सर से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि सर को एक लिस्ट जारी करना चाहिए अजीत जी को, कि भाई इतना करीब 250 टावर है, तो किस टावर का कब पोजीशन देने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी वाकई मार्केट में बहुत ही ख़राब हो गई है। मतलब मुझे आज किसी ने फ़ोन करके बोला, मंजीत नाम के किसी शख्स ने, जो इनके यहाँ क्यूब में जिन्होंने बुक करा रखा है, कि सर मेरी 85,000 तनख्वाह है, 55,000 EMI दे रहा हूँ, घर का किराया दे रहा हूँ, इस बार बच्चों का एडमिशन नेक्स्ट क्लास में कराना था वो भी रुक गया है, घर का जो ज्वेलरी था वो भी इस बार बिक गया है। सो मतलब हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं रात रात भर सोता नहीं हूँ, किसी दिन पूरे फैमिली सहित कुछ कर लूँगा, तब आप देखिएगा सर क्या होगा। ऐसे बहुत से कॉल्स हमको भी आते हैं। एक बार जरूर आप उनसे कह दीजिएगा कि सर की कुछ ऐसा करें जो कम से कम हम लोग जिंदा रह जाए। तो मुझे, मैं खुद भी बड़ा भावुक हो गया, मैं यहाँ के जो सीनियर आदमी है IBN 7 के, मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि सर कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम ऐसी कोई हादसा ना हो, नहीं तो ये सारे लोग उन हादसे के बाद फिर हम लोग जागेंगे, उससे बेटर है कि थोड़ा पहले जाग जाए। और दूसरा मेरा बड़ा सीधा सीधा सवाल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका काम जो हमारा रक्षक है बायर का, वो क्यों हमारा भक्षक होता जा रहा है? वो एकदम साइलेंट होके बैठा हुआ है। हमारी सरकार, जिसको हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए, वो पता नहीं क्या कान में तेल डाल के कहाँ सोई हुई है। इतने सारे लोग, जिस हालत इस कदर बदतर होती जा रही है सेक्टर की, उसके बावजूद भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा, केवल आश्वासन दे के छुप रह जा रहे हैं। आश्वासन नहीं मिल रहा। गुजराल साहब, आप क्या कहेंगे, आप बताइए अपनी बात। जी, आई वुड लाइक टू से दैट आई एम ऑलरेडी 79। इन 2011 वी पूल्ड ऑल आवर रिसोर्सेज एंड गिव देम 1,01,90,000 रुपीज विद द होप दैट वी विल गेट द फ्लैट इन 2014। We had planned as a family that will shift to this place. मैं चाहूँगी आप हिंदी में अगर बता पाए हमें तो। हमने ये सोचा था कि हम इधर आ जाएंगे इनके जेपी कॉम्प्लेक्स में, हमारा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो पास के स्कूल में जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे और विल हैव ए कंफर्टेबल लाइफ, हमारा फैमिली में थोड़ा शांति आएगी। और अब ये कह रहे हैं कि 2018 तक देंगे, इन्होंने शायद कोई कंट्रैक्टर भी ढूंढा है, उस कंट्रैक्टर की क्रेडिबिलिटी क्या है? इनकी क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो चुकी है। और हमारी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम है कि आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, मेरा बेटा जो है सिर्फ नौकरी करता है, वो EMI भी भर रहा है, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, किराए के पैसे भी दे रहा है, अब बतलाइए हम करें तो क्या करें अजीत जी, अब ये बताइए, ये कुछ चंद लोग हैं,
मुश्किल से 5-7 लोगों को जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कितने हजारों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, और ऐसी स्थिति न जाने कितने लोगों की होगी। अगर कल को किसी फैमिली में कोई गलत स्टेप उठा लिया जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है अजीत जी? देखिए, हमारे यहाँ 25,000 कस्टमर्स हैं, 5,000 को अभी हमने अकोमोडेट किया है, बाकियों के लिए काम हमारा चल रहा है। 350 इंजीनियर हमारे जो हैं वो साइट पे लगे हुए हैं, 20 से ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास में हैं, जेपी खुद बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जो अपना काम कर रहा है, 250 से ज़्यादा हमारे पास में छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर ये अब क्यों शुरू हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, तब जब आपने वायदे किए गए थे 2009 से क्यों नहीं शुरू हुआ? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्डर की या हमारी कोई गलती नहीं, हमारी गलती जरूर है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हुए जिसकी वजह से काफी कुछ डिले हो गया। इसमें बहुत सारी बातें हुई, जैसे हमारे कुछ टावर जो थे 2013-2014 में कंप्लीट हो गए और उसको हमने अप्लाई कर दिया ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन कानूनी अड़चन आ गई एनजीटी की, तो उसका जो हमने उसका जो हमको मिला वो दिसंबर 15 में मिला। कैसे कंप्लीट होगा, लेबर ही नहीं है सर साइट पे, तो साइट पे लेबर है। चलिए, अब पायल, मैं आपके पास भी लौटूंगी क्योंकि वहां पर भी लोग मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, चर्चा इसी पर जारी रहेगी। ऑपरेशन घर दिलादो पर आज हम कर रहे हैं चर्चा, जेपी ग्रुप की बात हो रही है और हमारे साथ पायल मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। पायल, मैं सीधा आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जेपी ग्रुप में अपना पैसा लगाया है लेकिन उन्हें अभी तक अपना आशियाना नहीं मिला है। क्या मांग है लोगों की? अजीत जी मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, कोई सवाल अगर वो सीधा उनसे करना चाहे तो। बिल्कुल नवजोत, लोगों को ही देती हूँ माइक और वही सवाल पूछेंगे। क्या सवाल है जमील जी आपका? अजीत जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो डेली कलेक्शन आगरा एक्सप्रेसवे का होता है वो कहाँ जाता है? ठीक है, और ये जो हमको आपने 6 मंथ्स का फिर से नया पोजीशन पीरियड दे दिया है, उसका अब एक्चुअल कमिटमेंट क्या है? मैं कैसे मानूं कि आप 6 मंथ्स में मुझे पोजीशन देंगे? जी सर, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, ये जो आप कंपनसेशन लिखते हैं 5 रुपये पर स्क्वायर फीट, उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आई हैव पेड यू 40 लाख रुपीज़। 40 लाख रुपीज़ का पर मंथ आप मुझे देंगे 5,000 रुपीज़, एंड यू इन्वेस्ट दिस मनी एंड यू कैन गेटिंग बाई 18% इंटरेस्ट रेट 60,000 पर मंथ। पायल इसी का जवाब लेते हैं जरा। अजीत जी से, अजीत जी रखिए, दोनों के जवाब रखिए। देखिए, इन्होंने जो पूछा कि इन्होंने जो पैसे दिए हैं वो पैसे हमने कोई बैंक में तो नहीं रखे हैं कि उसका और हमको 18% इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पैसे जो है प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। जहाँ तक इन्होंने कहा कंपनसेशन फॉर डिले का सवाल है, कंपनसेशन फॉर डिले को आप रिलेट करिए रेंटल वैल्यू से, क्योंकि अगर आपको मकान मिल जाता है तो आपको रेंटल वैल्यू मिलती है। अक्रॉस द NCR रेंटल वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट्स इज 2 to 2.5%, और उस 2.5% को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो जितना बनता है उसके हिसाब से जो कंपनसेशन फॉर डिले कैलकुलेट करके दे रहे हैं वो ठीक है। फाइल लौटूंगी आपके पास, संजय जी। सी, ऐसा हुआ कि 2009 में जब मैंने फ्लैट बुक कराया और 2012 तक नहीं मिला और मुझे EMI पे करनी पड़ी थी और मध्यम वर्ग का होने के कारण मुझे किसी ना किसी तरह से जल्दी अपने घर में आना था, तो कुल मिला के जैसे ही इन्होंने मुझे पिछले साल ऑफर दिया ऑफर ऑफ पोजेशन तो मैंने इमीडिएटली वहां पे मूव कर लिया। लेकिन उस मूव करने के बाद भी जैसे ये कहते हैं कुछ टावर इन्होंने रेडी करके दे दिए हैं, मैं टावर नंबर 9 में हूं, मेरे साथ 10 नंबर टावर है, पिछले एक साल से अनकंप्लीट पड़ा हुआ है। उस इनकम्प्लीशन की वजह से सारा दिन वहां से मिट्टी आती है, लेबर के बच्चे लेबर के लोग सारा दिन मेरे घर के सामने से निकलते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है। इनके कहने के बावजूद भी जब मकान मिल भी जाता है उसके बाद भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, सफाई का इश्यूज है और कितने सारे इश्यूज है। हमें एक तरह से जबरदस्ती जबरदस्ती वहां पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आता है कि जेपी इतनी कर्ज में दबी हुई है कि कैसे हजारों हजार करोड़ रुपए कर्ज है, कहां से वो हमारा काम करेगी, तो पहले वो कर्ज में डूबी, कहीं ऐसा ना हो कि विजय माल्या की तरह भाग जाए यहां से। ये सवाल उठ रहे हैं कि कई लोगों की नींद उड़ी हुई है। अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बेचे हैं। देखिए, हमारी 3 मेन कंपनी है, जेपी पावर वेंचर्स, जेपी एसोसिएट्स और जेपी इंफ्राटेक। ये जो हमारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं ये जेपी इंफ्राटेक में है। आज अगर आपने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि जेपी डिफॉल्टर नहीं है, जेपी को डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर कर दिया है। एक तो और हमने हमारे एसेट्स हैं जो हमने डिस्पोज ऑफ किए हैं, बैंक्स को दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन हमारा जो हेड ऑफिस है वो भी लिए हैं आपसे। जी नहीं, बैंक को हमने लिए हैं क्योंकि बैंक को पता है कि आप कर्जा नहीं चुका पाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि उसकी रजिस्ट्री जो है मेरे हस्ताक्षर से होती है, मैं ऑथराइज सिग्नेटरी भी हूँ, तो जो भी जेपी इंफ्राटेक की जमीनें और ये बिल्डिंग बिकी है वो उसका मुझे पूरी नॉलेज है। कितने में बिका है, बता ही दीजिए लोगों को आइडिया लग जाए।
नहीं उस पर हम उतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम सीधा पॉइंट पर आते हैं क्योंकि लोग घर चाहते हैं। तो आज की तारीख में जेपी इंफ्राटेक या जेपी एसोसिएट्स जो है वो डिफॉल्टर नहीं है। हाँ, लोन हमारे पास है, लोन लेना कोई जुर्म नहीं है और लोन जितना लिया है उसको हम पूरी तरीके से चुकाएंगे। बैंक जो है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमको विश टाउन पूरा करने के लिए पैसा चाहिए है उसका हम इंतजाम कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मई के मिडिल में या मई के एंड में हमारा कुछ फंडिंग होने वाली है जिससे कि सारे प्रोजेक्ट तेज हो जाएंगे और जो हम ये टाइम दे रहे हैं उसको हम पूरी कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करें। जी, आपसे एक सवाल पूछना था कि अभी तक आप जब भी बात करते हैं एक ही बात करते हैं कि जी हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगले दो साल में 250 प्रोजेक्ट्स क्लियर कर देंगे, बट जो साइट की रियलिटी है वो ये है कि जहां जहां पे प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, अभी आपने खुद ही बोला कि 350 लेबर हमारी काम कर रही है, 350 इंजीनियर काम कर रहे हैं, पर जब हम साइट पे जाके देखते हैं क्यूब प्रोजेक्ट जो उसको साइट पे जाके देखते हैं तो कोई लेबर ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई भी नहीं है वहां पर। 31 स्टोरी की बिल्डिंग है सर, वो बाकी प्रोजेक्ट्स आपके 12-15 स्टोरीज के होंगे, 31 स्टोरी की बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आपने 5 साल में सिर्फ 5 माले तक उसको क्रिएट किया है तो हम कैसे मान लेंगे अगले 2.5 साल में वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाएगी? किसी हिसाब से नहीं हम मान सकते सर। आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज थे 2010 से लेकर 2015 तक, आपके रिसोर्सेज आज खराब है। जब बेस्ट रिसोर्सेज थे आपके पास उस वक्त आप उस बिल्डिंग को नहीं बना पाए तो हम कैसे मान लें अगले 2-2.5 साल में बना देंगे? एकदम जवाब दें। देखिए जो और जिन लोगों ने सर ईएमआई के अंदर घर ले रखे हैं, जिनको ईएमआई पे करनी पड़ रही है, उनके ऊपर कितनी तकलीफ आ गई है आप सोच रहे हैं सर इस बात को? एक तो रेंट पे कर रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं और बैंक्स उनको उनके ऊपर केसेस डाल रहे हैं क्योंकि वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहे। अजीत जी बताइए, देखिए जो 250 टावर हैं अगर हम सारी लेबर 250 टावर में लगा दें तो वो बात जिसको कहते हैं ना स्प्रेडिंग द बटर टू थिन, वो नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया है कि हम फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 55 टावर कंप्लीट कर दिए हैं, उसके अलावा 50 टावर पे हम ज़्यादा तेज़ काम कर रहे हैं, 50 पे थोड़ा कम काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपका जो क्यूब प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा डिलेड है और इसके लिए हमने अब कॉन्ट्रैक्टर लगाया है, आप देखेंगे जल्दी इस पे भी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हम प्रायोरिटी उन टावर्स को दे रहे हैं जिसका पोजीशन हम इमीडिएटली दे सकते हैं। ठीक है, ईएमआई का आंसर ले लेते हैं उसके बाद पायल के पास। देखिए ऐसा है कि जब आप कोई मकान लेते हैं उसके ऊपर आप लोन लेते हैं तो ईएमआई तो आपको फिर भी देना पड़ती है अगर आपको मकान का पोजीशन मिलता है या नहीं मिलता है, तो ईएमआई और मकान का पोजीशन दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा मैंने कहा कि आप अलग अलग चीजें नहीं है सर, ये अलग अलग चीजें नहीं है, आप लोगों बात यह है कि हम किराया दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, किराया कहां से लाएं सर? किराया आपका जो किराया है आपको जो मकान देरी से मिल रहा है उसमें आपका जो आप हमें ऐसे करिए ना, आप हमें कोई जगह दे दीजिए रहने के लिए, जब तक आपका ये प्रोजेक्ट चलता है मैं वहां रहता हूँ और जब आपके मेरा फ्लैट रेडी हो जाएगा मैं वहां से शिफ्ट हो जाता हूँ। मुझे ये कमिट करिए कि आप जगह ट्रक में सामान लेके वहां पहुंच जाइए, मुझे कमिट करिए कि मुझे ये जगह दे देंगे जो खाली है, अपना ट्रक में सामान भर लें कि आप पहुंच जाइए, जो आपका घर है वही देंगे अब इनके डायरेक्टर। जगह है क्यों नहीं दे सकते? मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मुझे जगह चाहिए रहने के लिए, मैंने आपको पैसे दिए 1,90,00,000 रुपया दिया है और मेरे पास जगह नहीं है, मैंने मुझे आपने एक जगह दिखाई है, मेरे पास 1,00,00,000 रुपया नहीं है फालतू देने के लिए, आप मुझे वो जगह दे दीजिए, जब मेरा फ्लैट रेडी होता है मैं वहां शिफ्ट कर लेता हूँ, वहां से शिफ्ट कर जाऊंगा, मुझे 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 कोई जगह दे दीजिए अपने प्रोजेक्ट में, मैं वहां शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। देखिए हमारे विश टाउन में मैं 79 ईयर ओल्ड हूँ, डू यू वांट टू सी माय फ्यूनरल? राइट, आई एम 79 ऑलरेडी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 2018 यू विल गिव मी, व्हेन विल यू गिव मी द हाउस? आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। जो आपने मकान बुक किया है, बुक किया मेरे मरने के बाद देंगे आप? या तो आप सवाल पूछ लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ मेरे मरने के बाद देंगे? मैं पूछ रहा हूँ कि मैं 79 हूँ ऑलरेडी, हो ना कि यू थिंक आई एम गोइंग टू लिव? मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ रहेंगे, मेरा ग्रैंड चाइल्ड स्कूल में नहीं जा सकता आपकी वजह से, मैंने आपको सारी जिंदगी की कमाई के उठा के आपके आपके पले दे दिए और आप मुझे मकान नहीं दे रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं वही मकान दे जो बनेगा, मुझे अब भी यकीन है, मैं लिख के देता हूँ 2018 में तैयार नहीं होगा सर, आपको ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आप इसको गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, मुझे जगह चाहिए रहने के लिए सर, आई वांट ए प्लेस टू लिव। आपने जो मकान बुक किया है, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आपने जो मकान बुक किया है उसका इक्विवेलेंट मकान हम आपको दे सकते हैं। वो टावर तो भी 8 मंजिल तक पहुंचा है, 31वें मंजिल पर, ये भी कह रहे हैं मेरा 31वें मंजिल पर मकान है, अभी 5 साल में आप 8 टावर खड़े किए, पता नहीं कहां तक कब आप बनाएंगे,
मेरा ख्याल 2025 तक गांव की प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगी। जवाब ले लेते हैं। देखिए ऐसा है कि जो हमारा विश टाउन है, विश टाउन में हमारे पास में थोड़ी सी इन्वेंटरी अभी है, तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर ज्यादा समस्या होती है। देखिए हर एक को तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ ज्यादा समस्या है तो ऐसे कुछ लोगों को मैं एकोमोडेट करके दूसरा इक्विवेलेंट यूनिट दे सकता हूं। ठीक है जी, मैं आता हूं आपके ऑफिस में, मुझे मकान दीजिए। बिल्कुल आपका, लेकिन आपका यूनिट अगर 50 लाख का है तो मैं आपको 3 करोड़ का यूनिट नहीं दे सकता। जो इक्विवेलेंट है वो दूंगा। वो तो परमानेंटली तो नहीं कह रहे हैं, आपको आपको दे दूंगा, आप उसे थोड़ा कम कर दीजिए चलेगा। जो आपका यूनिट है उसका इक्विवेलेंट मेरे पास में या उसके आसपास जो भी यूनिट अवेलेबल है हम आपको जरूर शिफ्ट कर देंगे। और ऐसे अगर आप ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, आप मुझे कमिट करिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, गुजरात साहब अगर आप जाएंगे तो ये आपको देंगे उसका इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं है कि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी बात कही है। हमने विश टाउन में काफी लोगों को जो है वो एकोमोडेट किया है, थोड़ा सा जो एडवांस्ड यूनिट है उसमें किया है। आपका भी जरूर देख लेंगे और जो भी हमारे पास में अवेलेबल होगा हम आपको दिखा देंगे। पायल के पास जा रही हूँ मैं, आती हूँ आलोक जी, रुकिए। पायल जी, नवजोत, पायल सवाल ये लोगों से पूछिए, क्या कह रहे लोग, क्या सवाल आ रहे हैं वहां से? बहुत सारे सवाल है नवजोत लोगों के पास जो पूछना चाहते हैं। क्या सवाल है अजीत जी से? मैं अजीत जी से ही पूछना चाहता हूँ कि अजीत जी बार बार ₹5 कंपनसेशन की बात करते हैं। अब ये रियल एस्टेट बिल भी आ चुका है और उस बिल के अनुसार 12% कंपनसेशन देना है, इंटरेस्ट देना है, तो क्या गवर्नमेंट की अगर रेगुलेटरी नहीं जब तक बन पाती है तो भी उसको कोई फॉलो करने का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जी? नवजोत अजीत जी बताइए जवाब। देखिए हम लॉ अबाइडिंग कंपनी है, जब यूपीए अपार्टमेंट्स एक्ट आया उसमें जो भी प्रोविजन थे उनको हमने पूरी तरीके से फॉलो किया है। उसमें एक था कि हमने डिक्लेरेशन देना है, वो हमने सारे अपार्टमेंट्स का डिक्लेरेशन दे दिया है। जो उसमें प्रोविजन है कि मकान देने के पहले रजिस्ट्री करानी पड़ती है वो हम कराते हैं। नया एक्ट जब भी आएगा उसमें जो भी कानून होगा उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। सर रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल इंट्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है और वो जब अब आने ही वाला है, अब जल्दी ही, लेकिन उसमें आपको, आप अगर 18% लोगों को से ले रहे हैं तो 18% आपको देना भी पड़ेगा, तो ये तो आप पहले प्रिपेयर। पहली बात तो 18% हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं हमारे पास में ऐसा प्रश्न पूछा है, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ऐसा है कि हमारे पास में अगर मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए हमको 15 दिन लेट दिए तो हम आपको 2 लाख रुपए पर 15 दिन का इंटरेस्ट लेते हैं, पूरे अमाउंट पे नहीं लेते हैं। और अगर आप हमको 2 लाख रुपए ड्यू डेट से 20 दिन पहले दे दीजिए तो हम आपको 20 दिन का 12% इंटरेस्ट आपके अमाउंट पर देते हैं। डिले पेनाल्टी की बात हो रही है, प्रोजेक्ट डिले की बात। सुन लीजिए, जहां प्रोजेक्ट डिले का सवाल है, प्रोजेक्ट डिले में जो हमारा आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन फॉर डिले मिलेगा। कोई कानून अलग आएगा, कोई अदालत का हुक्म होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। सर आप यूपी अपार्टमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने क्योंकि यूपी अपार्टमेंट एक्ट पे ही 2012 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था इंप्लीमेंट करने के लिए यूपी में, और सर वो उसके बाद ही इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। उसके हिसाब से सर आप प्रोजेक्ट 2 से 3 साल में मैक्सिमम 1 साल एक्सटेंशन 3 साल में बना लेना चाहिए, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो सालों साल बढ़ता जा रहा है। सर यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 में पास हुआ था, लेकिन 2011 में नोएडा में, नोएडा में 2013-2014 में लागू हुआ है। जब से वो यूपी अपार्टमेंट एक्ट चालू लगा है उसके बाद के जो भी प्रोजेक्ट है उस पर लगेगा, लेकिन जो अगर पहले के प्रोजेक्ट में डिले है वो उसमें कवर नहीं होती। मैं अजीत जी एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ऑपरेशन घर दिला दो, ये आईबीएन 7 की मुहिम है और आज हम बात कर रहे हैं जेपी ग्रुप की। सीधे पायल के पास चलूंगी क्योंकि उनके साथ हैं बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जेपी ग्रुप में पैसा तो लगाया लेकिन आशियाना नहीं मिला। पायल क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल सवाल ही पूछ लेते हैं नवजोत, लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं अजीत जी से? हाँ, मेरा अजीत जी से ये विनम्र सवाल है कि अगस्त 2014 में जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तब उन्होंने कहा था कि अब जो पहले पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हमने हटा दिया है, नए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुए हैं, 300 करोड़ रुपए हमने पंप इन किए हैं और अब हम रिटर्न में रिप्लाई देंगे हर कस्टमर को, उसके बाद कोई भी उस डेट से डिले नहीं होगा। और आज फिर दो साल के बाद भी वही जवाब है उनका जी। नवजोत बिल्कुल, अजीत जी रखेंगे जवाब जी। 2014 की जो बात कर रहे हैं, जब आप आए थे तो आप पहले मुझसे मिले थे, उसके बाद और लोगों से मिले थे, हमने आपको बताया था,
ठीक है, अब हम मानते हैं कि साहब डिले तो हो गई है, देर हो गई है, लेकिन आगे अब जो हो रहा है, क्योंकि उस वक्त हमने कोई प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं किया था, लेकिन आज की तारीख में हमने बार बार कहना पड़ता है 5,000 लोगों को पोजीशन दे दी है, तो हमने एक शुरुआत की है जिसको हम आगे जारी रखेंगे और आपका पोजीशन जल्दी से जल्दी देंगे। सर एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे मित्र है पूजा श्रीवास्तव, उनका बार बार मैसेज आ रहा है कि कॉस्मोस के बारे में बताएं कि वो कब मिल जाएगा। भाई उन्होंने कॉस्मोस में नींद नहीं आती है उनको, कॉस्मोस में 71 टावर्स हैं, 71 टावर्स में 20 टावर कंप्लीट हो गए हैं, उनका सर्टिफिकेट आ गया है, वो हमने हैंडओवर कर दिए हैं, 7-8 टावर के लिए हमने और अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही आ जाता है उनको भी हैंडओवर कर देंगे। उसके बाद में हमने उसमें तैयारी कर ली है, कुछ हम जून में कंप्लीट करेंगे, कोई 4-5 टावर हम सितंबर में कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो भी बचेंगे वो मार्च 17 के आसपास जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे। एक और ट्वीट आया मेरे पास, मैं उसका भी जवाब आपसे ले लेना चाहती हूँ। जेपी अमन के बारे में पूछा जा रहा है, उसका क्या स्टेटस है? जेपी अमन में 27 टावर हैं, 27 टावर में सारे टावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और अब फिनिशिंग चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 या 5 टावर जो हैं वो जल्दी से जल्दी इस साल में दे दें, बाकी जो है तो वो नेक्स्ट ईयर में मिल जाएंगे। कपिल जी आखिरी सवाल अगर आप करना चाहें इनसे तो। सर मैं आपसे एक ही सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप इतना अच्छा एक ब्रांड, एक इतना अच्छा गुडविल आप लोगों ने क्रिएट करी हुई थी हिंदुस्तान के लिए, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के यही बोल रहे हैं आइए इस कंट्री में इन्वेस्ट करिए, आइए इस कंट्री के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जैसे बड़े बिल्डर, आप जैसे बड़े नामी लोग हमारी कंट्री के अंदर बैठ के अपनी जनता के साथ इस तरह का फ्रॉड करेंगे, ये चीज़ एक्चुअली लाइक ए फ्रॉड, बिकॉज जो आप बोलते हैं वो होता नहीं है, लोगों का पैसा ले लेते हैं उसके बाद उनको डिलीवर नहीं करते, तो क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं आप हमारी कंट्री के लिए? सर नॉट ओनली यू आर ट्रबलिंग अस द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड विद यू, बट ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग अ वेरी बैड नेम फॉर द कंट्री। लेट मिस्टर मनोज गौर अंडरस्टैंड दैट, लेट द प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड दैट सच काइंड ऑफ पीपल एंड डिफॉल्टर्स दे नीड टू बी टेकन टू टास्क। सर जस्ट गिविंग फॉल्स अश्योरेंसेस हैज नो मीनिंग। जेपी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, जेपी ने टेहरी डैम बनाया है, जेपी ने सरदार सागर बनाया है, जेपी ने जेपी ने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो हमारा एक्सप्रेस वे जो हमारा एक्सप्रेस वे बना है, हमने ये मुद्दा उठाया है, आईबीएन 7 ने मुहिम छेड़ी है, आज हमने जेपी ग्रुप की बात की, कल भी एक और बिल्डर की हम बात करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जब हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, तब लोगों को जल्दी अपने आशियाने नहीं मिल रहे, लेकिन एक वो जमाना भी था जब 10 साल में लाल किला बनकर तैयार हो गया था। पता नहीं कि ये शायद लाल किला बना रहे हैं या उससे भी बड़ा शायद ताजमहल बनेगा, जहां पर लोगों को और शायद इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कितना, जवाब अभी किसी के पास नहीं। कल एक और बिल्डर हमारे साथ होगा, ये मुहिम हमारी जारी रहेगी तब तक जब तक हम आपको आपका आशियाना नहीं दिला देते। मुद्दा में इतना ही।